नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। मैं हूँ आपके सागर साहू और आप सब जन मन के स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल इसके बर्दर सीजी मा। संगवारी हो, आज हरे सावन के दूसरा सोमवार और आज मैं आप मल्ला दर्शन कराए पर जात हूँ माँ पताल भैरवी राजनांदगांव के। तो चलो संगवारी हो, आज के वीडियो शुरू करते हैं। संगवारी हो, ये जो हमारे पताल भैरवी के मंदिर है राजनांदगांव सिटी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में है, तो अपन यहाँ बस या ऑटो के माध्यम से आराम से आ जा सकते हो। माँ पाताल भैरवी मंदिर के निर्माण 4 अप्रैल 1998 में किए गए हैं और संगवारी हो, ये जो है 3 स्तर में बनाए गए हैं। सबसे निचले स्तर में है माँ काली की मूर्ति विराजमान है, दूसरा जो स्तर है वो में जो है नव दुर्गा की स्थापना है और तीसरा जो स्तर है संगवारी हो वो माँ 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में भोलेनाथ जी की मूर्ति विराजमान है। तो ये देखो संगवारी हो पताल भैरवी के नज़ारा। सबसे पहले मैं जाता हूँ ऊपर वाला हिस्सा में जहाँ शंकर जी विराजमान है, तो ओकर हम पूजा अर्चना करबो, ओकर बाद में अपन नीचे के नज़ारा दिखाऊँ। तो संगवारी हो, अभी हम सबसे पहले जाते हैं तीसरा वाले स्तर में जहाँ भोलेनाथ जी और ओकर साथ में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। लेव संगवारी हो, हम तीसरे स्तर में पहुँच गए हैं, तो सबसे पहले आप मन शिव जी के दर्शन कर लो। यहाँ भोलेनाथ जी की मूर्ति के अलावा 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना करे गए संगवारी हो। आप मन में पूरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करा पाता हूँ, ओकर लिए मोर माफी चाहूँ मैं। माँ पताल भैरवी मंदिर बम्बलेश्वरी माता के मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संगवारी हो। ओकरे कारण माँ बम्बलेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाला लगभग 73% श्रद्धालु मन हा पताल भैरवी मंदिर जरूर आते माथा टेके पर, और एकरे चलते नवरात्र के अलावा यहाँ पर साल के हर महीना में काफ़ी भीड़ देखे जाते। अभी पूजा पाठ हो चुके हैं, अब ऐसे जगह हम बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जिस जगह हर कोई मन बैठते हैं। ये सीढ़ी है, देखो सब जन मन सेल्फी खींचा थे। तो अगर आप मन भी कभी पताल भैरवी अगर आए हो तो फिर हाँ बैठ के ये जगह में जरूर एक ना एक फोटो जरूर खिंचवाए हो। तो संगवारी हो, अभी हम नीचे उतर गए हैं दूसरा वाले स्तर में जहाँ नव दुर्गा की स्थापना है, तो चलो संगवारी हो वहाँ के नज़ारा भी आप मतलब दिखाए बढ़ जात हूँ। तो ये देखो संगवारी हो, आप मतलब यहाँ नव दुर्गा के अलग अलग रूप देखे पर मिल जाही। यहाँ नवरात्र के अलावा शरद पूर्णिमा के रात में विशेष प्रकार के जड़ी बूटी युक्त खीर बनाए जाते जे दमा अस्थमा और श्वास से संबंधित कई बीमारियों के लिए लाभदायक रहते। संगवारी हो, प्रसाद लपाए पर पूरा देश भर से हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित रहती। तो चलो संगवारी हो, मैं अब उतर गया हूँ सबसे नीचे वाला स्तर में और यहाँ जो है संगवारी हो आप मतलब दर्शन करवाऊँ मैं पताल भैरवी के। No.
संगवारी हो ऐसे कहे जाते कि माँ पताल भैरवी दुर्गा माता के ही एक रूप हरे जे रक्त बीज नामक राक्षस ला मारे बर ये रूप के धारण कर रही से। अभी आप मन जो गर्भगृह देखत हो यह मंदिर से लगभग 15 से 18 फीट नीचे गहराई में स्थित है। संगवारी हो ये जो अभी मूर्ति आप मन देखत हो ये जो है कम से कम 15 फीट ऊंचा बताया जाते और एकर निर्माण जो है पत्थर से करे गए है जो लगभग 11 टन से भी ज्यादा भारी है। संगवारी हो ऐसे पुराण और ग्रंथ से पता चले है कि माता काली के ये रौद्र रूप जमीन के भीतर निवास करत रही से एक कारण इला पताल भैरवी के नाम दे गए है। संगवारी हो ये मूर्ति के निर्माण ऐसे करेगी है कि अगर कोई व्यक्ति मन है पहली बार देखी तो वह देख के जरूर से डर रहा जाए। माँ पाताल भैरवी हो भैया माँ विराजे नांद गांव के। तो संगवारी हो जैसे ही आप मन गर्भगृह से बाहर निकल हो और जस्ट सामने में ही नंदी महाराज के नीचे एक और मंदिर है जहाँ आप मन ला हनुमान जी के मंदिर देखे बर मिली। संगवारी हो आप मल हर मंदिर के सामने में ऐसे मांगने वाला ज़रूर मिल जाए। अभी मैं बहुत देर तक बैठ के एक मन सन बात करत रहे हूँ और वो में मोला पता चलिस कि एकर कुछ निजी परेशानी रहती एक मन के जेकर कारण जो है ये मन हम ऐसा मांगे पर मजबूर रहते। तो संगवारी हो मोर से मैं जितना बन पाते अपन तरफ से मदद करत हूँ, आप मन भी कोशिश करे को संगवारी हो कि आप मन से जितना बन पाए आप मन मेरी कर मदद करो। तो चलो संगवारी हो अब मैं मिलता हूँ सीधा आप मल्ला घर में। बस संगवारी हो आज की वीडियो में बस अतका ही। संगवारी हो आज की ये वीडियो हमारा आप माला कैसे लगी से आप मन कमेंट करके मोला जरूर से बताओ और संगवारी हो अगर वीडियो अच्छा लगे हुई तो हमारे वीडियो लाइक जरूर करो। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो देखे पर। तो मिलते हैं संगवारी हो एक आता और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मैया हमन छत्तीसगढ़िया हमन सब बोले बढ़िया।